बसमिल रखमान रहीमकम यू ऑल आर वाचिंग साइको इनफॉर्मेटिव आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी इंटेलिजेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आज हम उसके बात करेंगे कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जी इटेलिजेंस टेस्टिंग का आगाज़ हुआ था सबसे पहली बात जी इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो एक बजाते खुद एक मुश्किल सा सब्जेक्ट है और चैलेंजिंग सा सब्जेक्ट है यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उस वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल दरपेश हुई थी इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर करने के लिए ठीक है जी साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी इटेलिजेंस है मच ऑफ

फिर आई जी इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुए इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है इंटेलिजेंट टेस्ट डिवाइस टू क्वान्टिफाई अ पर्सन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको फाइंड करता है इंटेलिजेंस टेस्ट दिस टेस्ट हैव प्रोवन टू बी ग्रेट बेनिफिट इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट इन नीड टू स्पेशल अटेंशन इन स्कूल इग्नोजिंग कॉकनेटिव डिफिकल्टीज एंड हेल्पिंग पीपल मेक ऑप्टिमल एजुकेशनल वोकेशनल चॉइस यानी कि जी ये तब शुरू हुई थी इंटेलिजेंस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो निकला था हमारी एजुकेशनल सिस्टम में से यानी कि सबसे सब पहले एजुकेशन में देखा गया था कि कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड के साथ पढ़ाया जा सकता है, ये जिनको की जरूरत होती है, होती है उनकी ठीक है जी इसके अलावा जी उनको प्रॉब्लम्स आती उनकी है? उनको है उनकी कॉर्डिनेटिव डिफिकल्टीज क्या हैं इसके अलावा जी उनको हेल्प करना एजुकेशनली और वोकेशनली ठीक है उनकी चॉइसिस को बेहतर बनाना तो इसके लिए सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे उनको बनाया गया था द सेम टाइम दे यूज इसमें इंपॉर्टेंट सोशल

इंटेलिजेंस टेस्टिंग ऑन the uncomplicated बट completely wrong assumption the साइज शेप ऑफ हेड पर्सन वुड बी यूज टू ऑब्जेक्टिव measure ऑफ इंटेलिजेंस अब इनका क्या था कि इन्होंने पहले ये बात की थी यानी कि वो ये बात बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सबसे पहले इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट था वो बहुत गलत तरीके से लिया जाता था बहुत ही रॉन्ग एज्शन के ऊपर बेस था वो ये था जी कि हमारा जो साइज होता है हेड साइज़ और उसकी जो शेप है वो डिटर्मिन करती है हमारे इंटेलिजेंस को ठीक है जी द आइडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय दिस फर्स्ट सर प्रिंशन गॉल्टन एंड इमिनेट इंग्लिश साइंटिस्ट हु आइडिया वर्ड डोमिनेट प्रूव टू बी कंसीडरेबल बेटर देन द नोशन अबाउट इंटेलिजेंस यानी कि इन्होंने जो आइडिया था उसको थोड़ा सा कंसीडरेबल किया जाता था लेकिन जी गॉल्टन मोटिवेशन टू आइडेंटिफाई पीपल ऑफ हायर इंटेलिजेंस टीम्ड फ्रॉम द पर्सनल परज्यूर यानी कि इनका जो था वो एक पर्सनल जाति तासुब इसके अंदर इन्वॉल्व था वो कैसे जी ये समझते थे कि जो लोग होते हैं अच्छे खाने खाते पीते घरानों से होते हैं या ख़ानदानी लोग जो होते हैं उनके पास इंटेलिजेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है बनस्बत एक पुअर या एक गरीब आदमी के या फिर जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है उसके मुकाबले में जो है वो मतलब कि ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होती तो ये यानी कि सुपरिटी के कॉन्सेप्ट पर और हाई क्लास सोशल हाई क्लास के ऊपर फोकस किया था और ये बात करते थे कि जी इनके अंदर इंटेलिजेंस इन्हेरिटेंट होती है यानी कि अबाव अजदाद से आती है ठीक है ही आई पोताइज देट हेड कन्फिगेन विच एस्टिटिकली डिटर्ट

इस बंदे ने कुछ किया नहीं किया इसने यह बात बता दी कि जो इंटेलिजेंस है उसको मैयर किया जा सकता है इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस को हम क्वांटिफाइड मैनर में यानी कि इन नंबर्स में हम जो है उसको मैयर कर सकते हैं तो गॉल्टन की यह बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम भी है साइकोमेट्रिक्स के क्वेश्चन में आता है ठीक है जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो आज की वीडियो मैंने मैं आपको सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि कहाँ से इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो है बीने की आई क्यू टेस्ट के ऊपर उसके बारे में मैं आपको बताती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज